नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भाग्य दृष्टि में। जिस तरह से आप टॉपिक देख रहे हैं जन्म कुंडली में कर्जे के योग कब बनते हैं, आज हम उसी बात को फोकस करके आपको बताएंगे कि कुंडली में कब कर्जे के योग बनते हैं। यदि आपकी कुंडली भी है तो आप अपनी कुंडली से खुद देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कर्जे के योग बनते हैं या नहीं बनते हैं। इसी तरह से आज का टॉपिक है कर्जे के योग के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की आपकी कुंडली बनी हुई है, आप देख लीजिए। उसमें लग्न एक नंबर का जो घर है और दूसरा घर है पंचम और दशम, एकादश और द्वादश, इन घरों से देखा जाता है कर्जे का योग, कब कुंडली में कर्जे के योग बनते हैं। और कर्जे से संबंधित जो ग्रह हैं उनमें से सबसे पहले शनि, राहु, केतु और मंगल, इन ग्रहों की युक्ति या इन ग्रहों के कारण से वो योग बनते हैं। और खास करके मैं आपको बताऊंगा कि कब वो योग बनते हैं। तो यदि शनि की स्थितियां लग्न में हो या द्वितीय स्थान में, पंचम में, दशम स्थान, एकादश या द्वादश स्थान में शनि की स्थितियां हो, शनि बैठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्जा बना हुआ रहता है। सेम पोजीशन है राहु भी, अगर इन्हीं स्थानों पर बैठा हुआ हो तो आपके ऊपर कर्जा हमेशा बना रहेगा, या केतु मंगल इन्हीं घरों में बैठे हुए हों तो कर्जा बना हुआ रहता है। लेकिन एक ग्रह है चंद्रमा, चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है आपके कर्जे के ऊपर। अगर इन ग्रहों की पोजीशन इन घरों पर है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्जा होता है, लेकिन वो कर्जा कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, बदलता रहता है। लेकिन एक महाकर्ज का योग बनता है, महाकर्ज का योग बनता है चंद्रमा और शनि की युक्ति से, या राहु या चंद्रमा की युक्ति से, या केतु या चंद्रमा की युक्ति से, या मंगल या चंद्रमा की युक्ति से महाकर्जे का योग बनता है। जब चंद्रमा और शनि की युक्तियां या राहु या केतु या मंगल की युक्ति लग्न में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति पर बहुत बड़ा कर्जा होता है, और कर्जे के कारण से वो मानसिक परेशान रहता है। यानी चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा जो है वो मन का स्वामी है। और जब शनि चंद्रमा की स्थितियां या राहु चंद्रमा की स्थिति या केतु चंद्रमा या मंगल चंद्रमा की स्थितियां लग्न में, दूसरे घर में, पांचवें घर में या दसवें घर में, ग्यारहवें घर में या बारहवें घर में बनती है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर महाकर्ज का योग बनता है। यानी ऐसा व्यक्ति हमेशा कर्जे में डूबा रहता है और जिसके कारण से वो मानसिक परेशान रहता है। और यदि शनि, राहु, केतु और मंगल की दशाएं चल रही हो तो ऐसे व्यक्ति उस समय जब इन ग्रहों की दशाएं चलती हैं तो तब वो ज्यादा परेशान हो जाता है, या तब उसके ऊपर ज्यादा कर्जा बढ़ जाता है। दूसरा, मैंने आपको जैसे बताया कि लग्न में जब ये स्थितियां बनती हैं, चंद्रमा, शनि, राहु, केतु या मंगल चंद्रमा, ये इनकी युक्तियां जब लग्न में बनती हैं तो तब ज्यादा परेशानियां उत्पन्न होती हैं। द्वितीय स्थान जो है ये धन का स्थान मानते हैं हम, और जब चंद्रमा राहु की स्थितियां धन स्थान पर बनती हैं, या शनि चंद्रमा या केतु चंद्रमा या मंगल चंद्रमा धन स्थान पर बनती हैं तो तब धन से संबंधित किल्लत उसके ऊपर हो जाती है, और इन ग्रहों की दशाएं चल रही हों तो फिर वो कर्जा लेता है, और उस कर्जे के कारण से चंद्रमा उसको मानसिक परेशानियां देता है। पंचम स्थान है पब्लिक का, यानी कि वो पब्लिक से पैसा लेता है, यानी दूसरे लोगों से वो पैसा लेता है और उस पैसे के कारण से मन परेशान सा रहता है। दशम स्थान कारोबार का होता है, या तो उसका कारोबार नहीं चलता है या कारोबार में विघ्न बाधाएं उपस्थित होती हैं और उसके कारण से वो यानी कि कारोबार के लिए कर्जा लेता है। लाभ स्थान, उसको कोई भी लाभ नहीं होता है, और जब ये स्थितियां इस घर में बनती हैं तो तब वो कर्जे में डूब जाता है, या उस व्यक्ति के अत्यधिक खर्चे होते हैं। जब बारहवें स्थान में ये योग बनता है तो वो खर्चे का घर है बारहवां स्थान, तो उसके खर्चे बढ़ जाते हैं और जिन खर्चों की पूर्ति के लिए वो कर्जा लेता है, और वो कर्जे के कारण से मानसिक परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। अब बताता हूं मैं इसका उपाय कि यदि आपकी कुंडली में भी ये योग बनता है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए ताकि कर्जे से आपको मुक्ति प्राप्त हो। सबसे पहले तो आप गणेश जी की आराधना करें। भगवान गणेश जी जो है वो ऋणहर्ता है, आप ऋणहर्ता स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, भगवान गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, या बुधवार के दिन गणेश जी को 4 लड्डू चढ़ा सकते हैं। ये प्रयोग आप हमेशा करें। यदि आपके ऊपर कर्जा बना हुआ है तो आपका कर्जा दूर हो जाएगा, धीरे धीरे कर्जा समाप्त हो जाएगा।
तो मित्रों ये था आज का कर्ज योग। इसी तरह से छोटे छोटे योग हम आपके सामने लेकर के आते हैं, हमारे साथ बने रहें। और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी योग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।